अब देखिए डिवीजन, माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो गया। अब डिवीजन इंटरफेज में तो डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन यहाँ होता है। अब देखिए अभी भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सब क्या हो गया, डबल हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया कि नहीं रेप्लिकेशन के टाइम। रेप्लिकेशन में देखे थे ना, डीएनए अनजिप होता था और फिर उस पर डीएनए बनता था, और जहाँ पे एक जगह ऐसा होता है जहाँ डीएनए चिपका रह जाता है, तो एक दो स्ट्रैंड का डीएनए था उसे चार स्ट्रैंड, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए हो गया, और एक जगह जो चिपका हुआ है वो सेंट्रोसोम। अभी भी 46 क्रोमोसोम ही है, लेकिन डीएनए का मात्रा डबल हो गया है। ये देखिए इससे पहले कैसा था, इससे पहले ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम था, टोटल 46, और एक साथ मम्मी वाला और पापा वाला एक साथ पेयर करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये 46 क्रोमोसोम था, ये आपका डबल हो गया, डबल हो गया ना। तो 46 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना, 46 डीएनए, लेकिन जब डबलिंग हो गया तो डीएनए कितना, 92, लेकिन क्रोमोसोम स्टिल 46, ठीक है। इसीलिए हम शुरुआत में बोले 46 क्रोमोसोम ही बोलना है, गुण सूत्र सेम रहेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, नहीं आगे बढ़ो, हाँ काश इसका स्पीकर भी आपको सुनने मिलता। देखिए यहाँ देखिए, ये आपका एक क्रोमोसोम था वो डबल हो गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम डबल हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखो, इन लोग 6 क्रोमोसोम लेके आगे बताना चाह रहा है, इजी वे में हो। देखो इन लोग भी बोल दिया, वी आर गोइंग टू यूज 6 क्रोमोसोम इन आवर डायग्राम्स व्हेन वी इलस्ट्रेट व्हाट्स हैपनिंग। इन लोग भी गिव अप कर दिया कि 46 हम भी नहीं दिखा पाएंगे, है ना, तो 6 लेके, तो ये तो लुत्ती का नहीं है भाई, है ना। तीन किस में होता है, मतलब 6 मतलब तीन तीन का जोड़ा, देख रहे हो ये दोनों पेयर है, ये येल्लो वाला पेयर है, अच्छा तीन तीन, चलो जो भी है आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब देखो हाँ, इंसेक्ट में 6 होता है, चलो बता भी दिया किसमें 6 क्रोमोसोम है टोटल, मतलब तीन जोड़ा। अब माइटोसिस और मियोसिस में देखिए अंतर क्या होगा, 6 क्रोमोसोम है मतलब अगर जोड़े में है तो कितना जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा। हम लोग में कितना जोड़ा है, 23 पेयर्स, और टोटल क्रोमोसोम कितना है, 46, इसमें 6 है और जोड़ा में 3। एक मच्छर का लेके एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, ये लोग बता रहा है, ठीक है। हम लोग लुत्ती लिए थे, ये लोग मच्छर ले लिया है, चलो अब देखो क्या हो रहा है, अंतर देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये मियोसिस, ये माइटोसिस में देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, लेकिन मियोसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उसके बाद फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इतना क्लियर है, ये कंपैरिजन समझ गए, यही फोटो आप कंपैरिजन में भी बना सकते हैं कि स्टेजेस कितना है। मियोसिस में ये, माइटोसिस में मेरा ये 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन मियोसिस में ये 4 है फिर ये 4 है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब देखिए कंपेयर करके बताएगा, उसके बाद फिर हम आपको उधर ले जाएंगे। अब देखिए अब अंतर नंदन ध्यान दो, प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में क्रोमोसोम सिर्फ, ये देखो ये दोनों पेयर है, लेकिन इन लोग अपना कंडेंस होके अपने ही जगह रहता है, लेकिन यहाँ मियोसिस के प्रोफेज वन में इन लोग आपस में जोड़ा भी बना लेता है, होमोलोगस पेयरिंग, देख रहे हो, अब समझ में आया कंपैरिजन अंतर। अच्छा अब चलो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ बता रहा है होमोलोगस पेयर्स, है ना,
सेम साइज का जो होगा वही होमोलोगस पेयरिंग। देखिए हम आपको बता भी रहे थे, वन जीन ऑफ मेनी इन्वॉल्व इन आई कलर, मतलब देखिए ये डीएनए का जो सेगमेंट है एक आई प्रोटीन बना रहा है जिससे आपका आँख का कलर तय हो रहा है, तो सेम आँख के कलर के लिए ये बगल में जो जोड़ा है उसमें भी आँख का कलर के लिए होगा। मतलब ये मम्मी से आया है, ये पापा से। अगर मम्मी का ब्लू है और पापा का ब्लैक है तो ये दोनों आसपास में ही पेयर करेगा। आप बोलेंगे ये बात हमको आपको बाद में बताना है जीन एक्सप्रेशन में कि अगर मम्मी का आँख ब्लू है पापा का ब्लैक है तो जो जनरेशन होगा नेक्स्ट जनरेशन उसका ब्लू होगा कि ब्लैक होगा कैसे तय होता है। तो चलिए हम आपको अभी शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसा होता है ना जब जाइगोट बनता है ना, जब भी कंसीव हो रहा है, जब पहला सेल बना स्पर्म और ओवा फ्यूज हुआ उसी टाइम उस जाइगोट में बॉइलिंग रिएक्शन होता है, यूनियन हो रहा है, कोई चीज़ नहीं बन रही है तो बहुत ही भयानक रिएक्शन होता है वो, ठीक है। अब उसी टाइम ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, उसी दिन वो पहला दिन ही तय हो जाता है कि आप कौन होंगे, ठीक है। क्या होता है जब फादर का न्यूक्लियस फ्यूज़ किया मदर के ओवा से, क्रोमोसोम्स आपस में मिले, तो उसी टाइम मान लीजिए वो उनका आँख का कलर के लिए इतना दूर का सेगमेंट डीएनए का रिस्पॉन्सिबल था, इतना दूर के लिए ये सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल था। अब इसी टाइम वो द्वंद होता है और उसी टाइम हो सकता है कि ये वाला डीएनए जो है ये सिकुड़ जाए तो माँ वाला जीन एक्सप्रेस करेगा वो ब्लू आँख वाला होगा, अगर ये सिकुड़ा तो ये ब्लैक आइज का होगा। उसी तरह मान लीजिए हाइट के लिए माँ का हाइट छोटा है, इतना दूर हाइट प्रोटीन बन रहा है और यहीं पे हाइट प्रोटीन फादर का बन रहा है। मान लीजिए हाइट प्रोटीन ऑफ मदर सिकुड़ गया और ये एक्टिव रहा तो आप लंबे होंगे। इसी तरह से कॉम्बिनेशन होता है और ऐसा नहीं कि सारा में मदर का डोमिनेट कर जाएगा फादर का नहीं डोमिनेट करेगा, ये मिक्स होता है। दिस इज टोटली रैंडम एंड द पर्सन बिकम्स रैंडम वेरिएबल के साथ वो बड़ा होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक, समझ गए। यही है जीन एक्सप्रेशन का एक पार्ट। आगे चल के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बड़ा अच्छा है, फन वे में बताया है एंड वेरी शॉर्ट वीडियो, 6 मिनट्स, कोई आपका टाइम नहीं जाएगा, हम भेज देंगे तीनों। अब देखिए यहाँ बार बार बोल रहा है एक मम्मी से आया एक पापा से, और देखिए रिकॉम्बिनेशन में देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, किस में, प्रोफेज वन में ही हो रहा है नंदन, देखिए। लेकिन माइटोसिस का प्रोफेज में देखिए ऐसा कोई घटना नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी घटना नहीं हो रहा है, बस क्रोमोसोम कंडेंस होके पड़ा हुआ है। लेकिन मियोसिस का प्रोफेज वन में पहले तो होमोलोगस पेयरिंग हो रहा है, मम्मी और पापा का मिल रहा है, ऊपर से एक्सचेंज भी हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेंट इसको अब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम बनता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसके पास मिक्स कैरेक्टर्स भी आ गया है। देखिए ये अब देख रहे हैं मिक्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स कहलाया। देखिए इट कैन मेक फॉर व्हाट वी कॉल रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। अब देखिए अभी तक आपका प्रोफेज खत्म हो गया माइटोसिस का, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम बना अपना बेचारा बिना पेयरिंग का है। लेकिन मियोसिस में नंदन देख रहे हो होमोलोगस पेयर आपस में सामने आ रहा है, रिक्रॉसिंग ओवर कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम भी बना रहा है, ओके। अब देखिए अभी तक खत्म नहीं हुआ प्रोफेज वन, अब यहाँ का मेटाफेज देखिए, यहाँ जो 46 का 46 था वो बीच में आ गया, कोई पेयरिंग करके बीच में नहीं आया है, नन ऑफ देम हैव कम विद पेयरिंग, और ये सब बीच में आ गया है, और ये एनाफेज में स्पिंडल फाइबर इसको खींच के अलग कर देगा। लेकिन मेटाफेज में देखिए ये जोड़ा में आया है सामने, ठीक है, यहाँ देखिए कंपेयर करिए, दिख रहा है आपको,
ये देखो यहाँ पीस से ही हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए जो रिकॉम्बिनेशन करने के बाद ये लोग हाफ हाफ हो जाएगा। अब समझ में आया है? ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ठीक है, ये बाहर निकल गया, अलग हो गया, टीलोफेज में आ गया, एक सेल से दूसरा सेल बन गया, यहीं पे ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये जब अलग हुआ रिकॉम्बिनेंट होके, तो अभी भी ये दो एक क्रोमोसोम में दो डीएनए मौजूद है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ देखो ये टेट्राड बना हुआ है, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए है, इसको भी अलग होना ज़रूरी है, ठीक। इसीलिए देखो ये टीलोफेज वन में सेम ऐसे क्रॉस कट हो गया। अब देखो ये यहाँ साइटोकाइनेसिस होके ख़त्म हो गया, ठीक है, ये दोनों सेम बन गया आइडेंटिकल। यहाँ पे अभी मियोसिस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखिए अभी क्या क्या बोल रहा है। हाँ, अब मियोसिस टू होगा, क्यों होगा कि भाई ये तो अभी भी यहाँ देखिए दो दो डीएनए मौजूद है एक ही क्रोमोसोम में, तो ये और दो सेल में, तो इसलिए इसको अलग होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर एक एक है, तो अब क्या होगा, फिर से सेंट्रियोल बनेगा। अब इसको मेटाफेज टू में अब ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो एक से कितना हो जाएगा, अब देख लो ये दो सेल बनाएगा और ये दो सेल बनाएगा। समझ में आया है? अब समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ डिवीजन होगा टीलोफेज टू, ये देखिए हो गया, ये हो गया एक से चार, ठीक है, और सब अलग अलग दिख रहा है। इसमें दोनों सेम दिखेगा, इसमें चारों क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया तो कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए, तो इसलिए एक से चार बन गया। बूझे कि नहीं बूझे? तो ये चीज़ है। अब हम आपको फिर से माइटोसिस एक एक स्टेज दिखाएंगे। ये हो गया स्पर्म, ये हो गया ओवा, ये हैप्लॉयड हो गया, ओवा भी हमारा हैप्लॉयड है। अब ये दोनों जब फ्यूज़ कर जाएगा तब फिर डिप्लॉयड होगा हम लोग, है ना, ओके। यही था बेसिक, ये देखो ये दोनों को मिला दिए तब जाके आप और हम बने, दैट इज जाइगोट। फिर से न्यूक्लियस में उसका 23 और उसका 23 आ गया, तो फिर देखिए ये डिवीजन शुरू, ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है एक सेल से, ठीक है। तो ये था, अब आपको मियोसिस समझा रहे थे, अब समझ में आया है, कुछ क्लैरिटी आया है? क्या क्लैरिटी आया है? फिर से आपको हम बता रहे हैं, माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम ही रहेगा, उसमें डीएनए डबल हो गया तो वो स्प्लिट हो गया और एक जगह से चिपका हुआ, जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, उस सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर चिपकेगा और उसको अलग कर देगा, ठीक है। क्रोमोसोम 46 ही रहेगा, उसमें जो डीएनए 92 था वो फिर एक एक हो गया सिंगल सिंगल, तो 46 डीएनए 46 क्रोमोसोम दोनों में हो गया। ये था माइटोसिस, एकदम वेरी सिंपल, जो पूछा बैकलॉग में लोग बता दिए। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, हमारा स्पर्म बनाने के या ओवा बनाने के तरीके में पहले क्या हो रहा है, सारे डीएनए डबल हो गए, सारे क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो भी माइटोसिस की तरह वो सेंटर में आ जाता और सेपरेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, अपना जोड़ा को खोजता है, वो जोड़ा सब लोग सेंटर में आ जाता है, कि सब लाइन से आ जाओ तो 2300 जोड़ा, जब 2300 जोड़ा सामने आ जाता है उसको फिर स्पिंडल फाइबर से अलग कर दिया जाता है, तो 23 एक किधर चला गया और 23 उधर चला गया, ठीक है। 23 तो चला गया लेकिन सब क्या है, स्प्लिट किया हुआ है ना, सब में 2300 में एक एक में दो दो डीएनए है, अब उसको भी अलग करना है, तो जब दोनों अलग हुआ तो फिर से वो माइटोसिस जैसा रिपीट हुआ, स्पिंडल फाइबर चपका और उसको खींच के अलग कर दिया, तो एक सेल से चार, मियोसिस से एक सेल से अंततः चार कोशिका बनी, ठीक है। मतलब ओवा, अब बोलेंगे कि मैडम तब ओवा जब बना तो वो तो एक ही है, बाकी का तीन कहाँ गया? तो आपको बता दें, जो उसमें से बेस्ट होता है ना चार में से, बस वही सरवाइव करता है,
डिजेनरेट कर जाता है, स्पर्म में करता है, वो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं, वो एम्ब्रायोलॉजी का पार्ट है, इतना बस जान लीजिए। वो चार में से जो बेस्ट होगा वही जाएगा, और जीवन हमेशा बेस्ट को चुनती है। डार्विन का थ्योरी पढ़े ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही जीवित रहेगा। इस पूरे क्लासरूम में बीच में हम अगर चॉकलेट रख दें और हम बोले कि खाना है, तो देखिएगा इसमें से कुछ लोगों का, अरे मैम बोल रही है, संकोच करेगा, और इसमें से कोई तेज तरार होगा मदन जैसा, सबसे पहले उठ के खा लेगा, तो कौन जीवित रहेगा? मदन, है ना? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और इसमें से एक दो और गजब का लोग होगा, वो लेगा और सबको बांट देगा, हो जाएगा बॉस, कि सब लोग उसके सर्वाइवल के लिए नहीं, हम जान दे देंगे इसके लिए, हम इच्छा का डायलॉग है ना, अरे इसके लिए जान दे देंगे, है ना, देखो मीम। तो उसी टाइप का लीडर के लिए मर मिटना है ना, तो ये कर सकते हैं। ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। आपको पता है अनुमान लगाया जा रहा है कि ह्यूमन आगे जाके दो में विभाजित होने वाला है, और उन दोनों में प्रजनन नहीं हो पाएगा। अभी तो फिर भी अमेरिकन और रशियन ला सकते हो, है ना, है ना, लेकिन बाद में दो ग्रुप होने जा रहा है, होमो सेपियंस थर्मेलिस। कहने का मतलब है जो हीट टॉलरेंट होगा, सिर्फ हीट टॉलरेंट जगह पे रहेगा वो लोग, गर्मी में भी तपता गर्मी में, और एक रहेगा सिर्फ ठंड में, उसको गर्मी में लिया मुंह जाएगा, ठीक है। तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा, है ना? तो ये चीज़ कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है ह्यूमन में भी दो प्रजाति हो जाएगा। रेस नहीं, रेस तो कोई भी, अभी ग्लोबलाइजेशन इतना आराम से, जर्मनी जा रहा आदमी वहीं बस सकता है। हम खुद यहाँ से दो, एक टोपनो दी थी और एक हंसता दी थी, दोनों बहुत मस्त जर्मन पटाके अपना बढ़िया से, ठीक है, शादी ब्याह कर ली थी, गलत भी हुआ था एक के साथ, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड हियर, बट इन लॉज जो है उसको निकाल दिए थे, कुछ ऐसा स्टोरी था बैकग्राउंड, शी फॉट एंड देन शी सर्वाइव्ड। थोड़ा सा कुछ हमारे समाज में महिलाओं के लिए, हमेशा ये बात सच नहीं होती है, हमेशा ये बात सच नहीं होती है, कुछ महिलाएं तेज तरार है, ठीक है, सबका मर्डर करके खुद सारा ले लेती है, ऐसा भी है, लेकिन बहुत हद तक आप देखिएगा, आप अपने घर में देख लीजिएगा ना, अपने घर में देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, हम ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आपके घर में ऐसा होता होगा। आप घूम के देखिए, महिलाओं का रोल जो है ना हमेशा सेकेंडरी रखा है, मानते कि नहीं? आसपास कितने लोग अब किसी औरत को पिटते हुए देखे हैं, कि मर्द जो है दारू पी के आ रहा है और बेल्ट निकाला है और मार रहा है, सही बताइएगा, आसपास में भी, घर परिवार ये सब में, हाँ या ना? हाँ वाले हाथ उठा दो, बस देखे हैं, देखो देख लो, है ना? तो महिलाओं का रोल ना सेकेंडरी कर दिया गया है, ठीक है, और इक्वालिटी के नाम पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ महिलाएं चढ़ ही जा रही है, लड़का सिगरेट पिएगा हम भी पिएंगे, तो वो फेमिनिज्म नहीं है, हम वो नहीं कि वो कर रहा है कूदेगा तुम भी कूदोगी, हम फेमिनिज्म किसको था, स्यूडो फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम कट्टर फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट का मतलब महिला होने का मतलब, कहने का मतलब है जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ पे आप उसको सरवाइव करा रहे हैं, जहाँ गलत हो रहा है, और यहाँ गलत नहीं हो रहा वहाँ जान के इससे कैसे बोल देगा, लाओ अभी गला काटते हैं, लाओ चाटो केस लगा देते हैं, तो वो हो गया स्यूडो फेमिनिज्म। क्या हुआ खुशबू, ठीक हो? आँख में जाओ, फेस दो के आ जाओ, और बोले पानी नहीं है, जाओ देखो ट्राई करके आओ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। और अभी इकोनॉमी के लिए कितना लॉस हो गया है महिलाओं को जब दबाया गया, स्पेशली मुगल काल से, जबकि आदिवासी सभा ये समाज में देख लो तो महिला का कितना इज्जत है, बहुत इज्जत था पहले, यहाँ तक कि घूमकुड़िया या आप देख लीजिए
जितना भी यूथ डॉर्मेटरीज था वो सब में ट्रेनिंग दी जाती थी, यूथ को मिलने दिया जाता था, 14-15 साल में ही एक साथ जश्न होता था, उसमें सब कुछ अलाउड था। हम लोग अमेरिका से पीछे थे, सब अलाउड था, कोई भी किसी के साथ भी अपना मर्जी से, महिला की मर्जी होनी चाहिए। और अगर ऐसे में कोई बच्चा होता था उसको पूरी समाज हैप्पीली एक्सेप्ट करती थी, इतना ये मॉडर्न था। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, ये हमारी समाज की स्थिति थी। ठीक है, फिर इन्वेजन होते 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 हम लोग अपना ये वाला चीज़ छोड़ दिए है ना, और फिर यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। इनहेरिटेंस की बात तो पहले होती ही नहीं थी, वो तो कॉपी कागज़ पे, बाद में अंग्रेज आए तो थोड़ा लॉ लिख के ले गए, ले लिख दिए। अभी भी देख लो जितना लॉ है सब कहाँ है, 1882 का इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एनजीओ एक्ट, सब सीआरपीसी एक्ट, सब कहाँ कब, सब आज़ादी, सीएनटी एक्ट 1908 है ना, सीएनटी, आज़ाद भारत का आज़ाद लॉ होना चाहिए ना। चलो इस साल कुछ तो चेंज हुआ, कहने का मतलब है ये सब चेंजेस आने लगा। तो अब क्या हुआ, इकोनॉमी फिर देखा गया कि इकोनॉमी डाउन हो गई। अब सोसाइटी को लग रहा है अरे हम लोग तो बेवकूफ थे, ये क्या कर दिए। अब बोल रहा है कि डाउन तो कर दिए, महिलाओं को राइट्स दे दो क्योंकि ताकि वो लोग नौकरी करें। इकोनॉमी फिर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि हाफ ऑफ द इकोनॉमी इज सिटिंग एंड ईटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द हाफ ऑफ द इकोनॉमी दैट इज मेल। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में कभी बढ़ोतरी होगा अगर महिलाओं की पार्टिसिपेशन नहीं होगी? इसीलिए इतना सारा योजना रिजर्वेशन फॉर वुमेन और इतना सारा प्रायोरिटी फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस इसीलिए हो रहा है। अब क्या हो रहा है, महिलाएं वर्क तो कर ले रही हैं, वर्क भी नहीं कर रही हैं, पढ़ ले रही हैं और बोल रही हैं कि कुछ नहीं करना है, वो भी अजीब है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमी इज़ रियलाइजिंग, दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आपको उसको राइट्स तो देना होगा ना, इक्वालिटी लाना होगा। अब उसमें एक दो निकल जाएगा तो उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कितना आप केसेस देखें जिसमें महिला ही थप्पड़ मार रही है, एक दो केस होता है तो नेशनल न्यूज़ बन जाता है, स्विगी को थप्पड़ मार दी, इसको मार दी, दो चार न्यूज़ बन जाता है। लेकिन आप यहाँ से निकलिए, देखिए एक ना एक महिला पिटती हुई दिखेगी आपको, है ना। तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ही है, बट एनीवेज एट द सेम टाइम वुमेन हेल्थ, अगर वुमेन एम्पावर्ड नहीं है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी एम्पावर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस हार्ड मांस के बने हुए हैं वो पहला हुआ कौन दे रहा है, फीमेल। ये बात हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को जानना है, इसीलिए जेपीएससी में ये सिलेबस है। अगर ये जेपीएससी में सिलेबस नहीं होता तो आप कभी जान पाते ऐसा होता है? ठीक है, ये चीज़ है। एनीवेज, तो हम उम्मीद करते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्लियर होगा। ये तीनों वीडियो हम भेज देंगे, एक बार इसको लिख के दिखाइएगा और कंपैरिजन करके दिखाइएगा। इस बार के जेपीएससी में मियोसिस आने का फुल चांस है, माइटोसिस आ चुका है बैकलॉग में, मियोसिस पूछा जाएगा। मियोसिस में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जा रही है सबसे पहले, फिर जब पेयरिंग हो रही है तो उसमें से कुछ डीएनए का पार्ट एक्सचेंज हो जा रहा है, एक्सचेंज होने के बाद ये अलग हो रहा है, अलग होने के बाद फिर से रीडिविजन करना है क्योंकि अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड बना हुआ है, एक क्रोमोसोम में दो डीएनए हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक क्रोमोसोम में दो डीएनए नहीं रहेगा। अगर दो डीएनए रह रहा है मतलब वो डिवीजन की स्थिति में है, विभाजन की स्थिति में है, और वो सेल जो है वो कोशिका जो है डिवाइड करने के लिए तैयार है। तो हम देखें अब, जब अब आप सोचिए मियोसिस में कैसे 2n से n बना, चलो ये बताते हैं। मियोसिस में 2n से आप शुरू किए थे, आप फिर क्या नेक्स्ट स्टेज क्या था, आपका होमोलोगस पेयर जो था वो सामने सामने आ गया, आ गया था, आ गया था ना जी। तो 23 यहाँ और 23 यहाँ, 23 मम्मी से जो 23 पापा से मिला, तो मतलब ये 2300 का सेट प्रेजेंट था, तो बीच में डिवीजन हो गया, तो 23 इधर गया और 23
इधर गया, गया ना, तो ये 23 23 पीस हो गया, इधर 23 पीस ये हो गया, यहाँ पे 2n था मतलब 46 था, तो ये कितना हो गया, n और n अलग हो गया इसी स्टेज पे, मियोसिस वन में ही अलग हो गया। अब मियोसिस वन में जब अलग हुआ तो पहला वाला भी देखिए, एक में दो डीएनए, इसको भी तो अलग होना है, तो ये वाला फिर से सेंटर में आके मियोसिस, माइटोसिस जैसा मियोसिस टू होता है और डिवीजन हो जाता है। क्लियर है? एक बार और वीडियो देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ठीक है? तैयार रहिए। हाँ नंद, हेलो। हाँ बस थोड़ा सा बाकी है, वो वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा अभी पूछ के बताते हैं, ठीक है अभी पूछ लेते हैं। अच्छा किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम है क्या? 16 को कौन कौन यूपीएससी दे रहा है, हाथ उठाओ। छुट्टी चाहिए क्या? अच्छा छोड़ दें, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ संडे 16 को, हाँ नहीं, अच्छा हाँ हम बोल दे रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, अच्छा अभी बोल देना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा सा, ये मियोसिस में देखिए अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले G1 फेज में, G1 मतलब ग्रोथ फेज वन, उसमें क्या हो रहा है, डीएनए को डबल कराने के लिए एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। फिर एस फेज आएगा जहाँ डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए डबल हो गया है, उसके बाद G2 फेज आएगा जिसमें ग्रोथ फेज टू बोलते हैं, जिसमें जब कोशिका विभाजन हो रही होगी उसमें उसको मदद करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, वो बढ़ेगा। जब G2 फेज आ गया तो उसके बाद अब इसको डिवाइड करना होगा, है ना। तो इसमें अभी हमारे पास 23 जोड़ा है, 23 जोड़ा 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, ये हमारा मेल में स्पर्म सेल बनाएगा, फीमेल में ओवा सेल बनाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो डीएनए डबल हो चुका था सब आपस में टाइटली बाउंड होना शुरू हुआ और ये क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगेगा, ये देखिए ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों जो डबल हो गया तो इसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होगा, जो एक मम्मी और एक पापा से मिला है वो होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे हो रहा है। नंदन ध्यान देखो, है ना, तो ये टेट्राड मतलब चार हो गया ना डीएनए, एक दो तीन चार, तो इसीलिए अब देखो अब क्या होगा, ये जीन्स है हमारा जो लाइट अप हो रहा है, ये जीन रीजन है क्रोमोसोम में। अब देखिए एक्सचेंज होगा तभी तो वेरिएशन आएगा, एक मम्मी से मिला है पिंक वाला, ब्लू वाला पापा से मिला है, अब एक्सचेंज होगा, सारे डीएनए में एक्सचेंज होगा। ये देखो एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर पूछा था बैकलॉग में, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में था, तो पैकेटीन, मियोसिस का पैकेटीन। अब ये देखिए यहाँ पे बता रहा है रिकॉम्बिनेशन, हर एक क्रोमोसोम मतलब टोटल का टोटल 2300 जोड़ा, देखो इसमें भी एक्सचेंज हो गया, इसमें भी एक्सचेंज हो गया, नेक्स्ट वाले में भी एक्सचेंज हो गया, इसमें भी एक्सचेंज हो गया, चार था तो चार को लेके चल रहा है, तो इसलिए वेरिएशन ऑफ स्पर्म सेल्स और ओवा सेल्स बनता है, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं उनके मिक्स होते हैं, यहाँ ये बता रहा है, ठीक है, इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब देखिए क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब सेंट्रियोल ध्रुवीय स्थल पे आएगा, अब स्पिंडल फाइबर निकला, दोनों तरफ सटा और ये दोनों को खींच के अलग कर दिया, हो गया अलग, ये है एनाफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस आएगा, लेकिन देखिए अभी भी एक क्रोमोसोम में दो डीएनए, इसको अलग होना है, इसीलिए मियोसिस टू होता है। देखिए अलग होना शुरू हुआ, ठीक है ठीक है, अभी देखिए ये अलग हुआ, बस समझा रहा है आपको कि देखिए यार रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। अब ये टीलोफेज में बढ़िया से न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस आने के बाद ये दो साइटोकाइनेसिस हुआ और ये दो सेल बन गया।
अब यहाँ पे 23 पीस क्रोमोसोम, यहाँ 23 पीस, नथिंग इन जोड़ा, ये हैप्लॉइड बन गया, डिप्लॉइड था ना, ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना, क्लियर है। लेकिन अभी भी एक क्रोमोसोम में दो डीएनए, इसको भी अलग होना है, तो इसीलिए अब स्टार्ट होगा मियोसिस टू, दैट विल स्टार्ट विथ मियोसिस टू प्रोफेज टू से, मियोसिस टू स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये दो सेल्स बना था ना, इसमें अब एन और एन हो गया, अनंदन समझ में आ रहा है, आकर्षण समझ में आ रहा है। अभी कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब फिर से सेंट्रियोल दोनों साइड जाएगा, अब इन दोनों को भी अलग कर देगा, सिमिलर टू मियोसिस माइटोसिस वन, ठीक है। ये बढ़िया से बीच से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ये बढ़िया से अलग हो गया, ठीक। और ये हमारा कैसा सेल्स बनाएगा, गैमिट्स बनाएगा, दैट इज स्पर्म या तो ओवा, वो क्या डिवीजन, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो एक से हमको चार एन सेल्स मिला। ओवा के केस में जो बेस्ट सेल्स होता है वही सरवाइव करता है, मंथ में एक ही बार फीमेल में मियोसिस होता है, और इसमें से जो तीन होता है वो डीजेनरेट कर जाएगा, जो बेस्ट ओवा होगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट, क्लियर है, मियोसिस में समझ गए क्या हो रहा है। बिगिन्स विद डिप्लॉयड सेल, एंड्स विद प्रोड्यूसेस, ओनली प्रोड्यूसेस गैमिट्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गैमिट सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, रिपेयर रिपेयर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैमिट सेल्स बनाएगा। मियोसिस वन और मियोसिस टू होता है इसमें, इसमें दो हैप्लॉइड सेल बनता है, और फिर मियोसिस वन में और मियोसिस टू में दो से चार हो जाता है, ठीक है। यही इसका बेसिस था, ये हम आपको भेज देंगे, इसको देख लेना है। और ये सिर्फ और आपसे बोलेगा इसमें से कौन सा प्रोसेस रिपेयर के लिए होता है, मियोसिस की माइटोसिस, तो क्या होगा आंसर, माइटोसिस, ठीक है। अब चलिए हम आपको फिर से एक बार माइटोसिस दिखा देते हैं, ये हो गया, ये वाला आपको भेज देंगे, ये देखिए नंदन एक बार देख लो बाबू, कंफ्यूज हो रहे थे, देखो माइटोसिस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये हमारे माइटोसिस कहाँ होता है, तो भाई जब तुमको रिपेयर करना होता है, तुम्हारा स्किन का जो सेल दिख रहा है, तुम्हारे बॉडी का जो सरफेस सेल्स है, स्किन का, फेस का, वो सब 24 घंटा में दोबारा से नया कोशिका स्किन सेल्स बनता है। जो झाड़ू लगाते हो उसमें जो डस्ट मिलता है, 70% डस्ट क्या होता है, स्किन का पहला लेयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एवरी डे एवरी मॉर्निंग, तो वो कहाँ से हो रहा है, माइटोसिस की प्रोसेस से हो रही है, ठीक है। या फेस पे कोई दाग हो गया तो क्या बोलता है सब, ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ, तो उससे क्या होता है, जो डेड सेल है उसको हटा दिया जाता है, फ्रेश सेल आता है सामने। तो अब देखो माइटोसिस जो है रिपेयर में होता है, ग्रोथ में होता है, फिर बस रिप्रोडक्शन को छोड़ के सारी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलो देखते हैं माइटोसिस फिर से लास्ट, ये अंडा और मुर्गी बोल रहा है, इसको बोलने दो। चलो ये देखो सारे क्रोमोसोम्स आपस में हुए, ये देखो अलग हो गया, डबल हो गया था डीएनए, सो अब अलग होने के बाद, यह ओरिजिनल पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, सेपरेट हुआ कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे पूरा डीएनए का गुच्छा है तुम्हारा, 46 क्रोमोसोम है लेकिन 92 डीएनए हो गया, ठीक है। शॉर्ट में दिखाना है तो यहाँ चलते हैं, रुको कहाँ, हाँ कैसे हो रहा है, तो माइटोटिक फेज में देखो लगभग एक से डेढ़ घंटे का होता है, ये तुम्हारा डीएनए ऑलरेडी जो डबल हो गया था वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं, देखो पूरा कॉन्ट्रास्ट हो गया, ये क्रोमोसोम बना लिया, एक क्रोमोसोम में दो डीएनए हो गया, दोनों कहाँ से चुका, ये पूरा केंद्रक है और ये सब न्यूक्लियर पोर है जहाँ से न्यूक्लियस का सामान अंदर बाहर जाता है, ये आपका सेंट्रियोल है जो स्पिंडल फाइबर करेगा, ये दोनों ध्रुव की तरफ चला जाएगा, ये जो क्रोमोसोम्स है आपस में जो एरिया में चिपके रहते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये देखो न्यूक्लियस गायब हो गया, अब सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे आ गया, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलेगा जो कि और कुछ नहीं माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है धागा नुमा, जहाँ जहाँ ये डीएनए है वहाँ ये चिपकेगा,
अब ये खींच के अलग कर दिया, क्योंकि 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए। 46 क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए, यहाँ पे क्या है 46 क्रोमोसोम तो है लेकिन डबल डबल डीएनए हो गया है, तो उसको सेपरेट करना है। तो डीएनए की मात्रा जब डबल हो गई तो कोशिका में जगह कहाँ है, तो इसलिए नया कोशिका बनाना पड़ता है उस डीएनए को रखने के लिए। अब ये खींचेगा, ये एनाफेज है, खींच लिया एनाफेज, ओके, एंड देन वापस से न्यूक्लियस विल रीअपियर, न्यूक्लियस विल रीअपियर एंड दैट विल बी टीलोफेज स्टेज। ये एनाफेज हो रहा है जहाँ क्रोमोसोम्स जो है उसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है अलग होंगे, अलग होकर खींचा था नहीं होगा। अब टीलोफेज में वापस से स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर जाएगा और न्यूक्लियस आ जाएगा, सेंट्रियोल अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, डीएनए जो है क्रोमोसोम जो है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, कंडेंसेशन हट जाएगा, न्यूक्लियस वापस से आ गया। अब ये एक कोशिका में दो न्यूक्लियस आ गया, अब इसको डिवाइड करना है, दैट इज़ बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस होगा, ये बीच से डिवाइड हो गया, ये देखो, ओके। आई होप ये वाला एनिमेशन सबको समझ आया होगा, ये देखो क्या मस्त, एक से दो कोशिका, ठीक है, बस इतना ही था। हमने शॉर्ट में यहाँ पे, शॉर्ट में यहाँ रिवीजन में बता दिया है कैसे क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन है, सब में से सबसे छोटा यही दोनों था, 6-6 मिनट का है, और 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, तो समझ में आएगा। क्या माइटोसिस मियोसिस क्लियर है कुछ? अब इसको जाके 11th की एनसीईआरटी की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर शायद 9 है, देख लेना एक बार आगे पीछे, अब जाके उसको पढ़ो तो ये एनिमेशन को देखते हुए, अब देखो कैसे नहीं समझ में आता, ठीक है। हम लोग दो दिन माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिए, आज एनिमेशन देख के समझ गए, डायग्राम क्लियर है। आज जाके अगर तुम पढ़ लेते हो तो कोई तुमको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा माइटोसिस मियोसिस में। माइटोसिस पूछ चुका है, मियोसिस पूछेगा, तैयार हो, है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल हम लोग चलेंगे जीन एक्सप्रेशन, कल हम नहीं आएंगे, आई एम ऑन ब्रेक, आई एम आउट ऑफ रांची, तो कल सर आप भी नहीं आ रहे ना, आ जाएंगे, अच्छा ठीक है, तो सर कल आ रहे हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं ट्यूसडे से, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स, विटामिंस, ये सब पढ़ेंगे, ओके। हॉर्मोन्स का देखिए एक फिक्स है, उससे पहले पूछा था पिट्यूटरी का 2 हार्मोन बता दो, 4 हार्मोन बता दो, फिर अब पूछ दिया पैनक्रियाज और एड्रिनल पूछ दिया, तो अभी और पूछने को, थायराइड पूछ सकता है, थायराइड पूछ देगा, ये आपसे स्टमक का पूछ देगा, या बोलेगा आंत में कौन सा हार्मोन निकलता है वो पूछ देगा। प्लांट हार्मोन तो आज तक पूछा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे, हार्मोन जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, प्लांट नहीं पूछा, देखते हो बायो में प्लांट का बहुत वेटेज नहीं देता है, नोटिस की हो अभी तक, कोई भी क्वेश्चन सब एनिमल से पूछा है, उन लोग भूल गया कि बॉटनी भी दिए हैं, भूले रहने दो, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, चलो मिलते हैं ट्यूसडे, थैंक यू।